एक तरफ जहां सरकार इस कोरोना काल में हमसे अपने घर पर रहने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस महामारी में भी अपना पेट पालने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गर्मी हो, बारिश हो, ये अपनी चिंता न करते हुए हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये कहानी है 70 वर्षीय राम सिंह चौहान की, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की एक कॉलोनी में पिछले 10 सालों से चौकीदारी का काम कर रहे हैं। राम सिंह चौहान है, 70 साल की मेरी उम्र है, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे सिक्योरिटी में कम से कम 10 साल से काम कर रहा हूँ। बचपन से जो है पहले खेती वगैरह करता रहा, खेती के बाद में फिर जो है जमीन कम थी तो उज्जैन आ गया, तो उज्जैन आने के बाद जो पहले हम्बाली करी और घुटने उठने में दर्द हो गया तो फिर थोड़ी बहुत परेशानी भी आती है, गले वगैरह की, आटे वगैरह की, खाने पीने के चलता, और क्या है, मकान किराया भी पूरा नहीं हो पाता है, 5,000 में क्या होता है। कड़ी धूप में भी मुस्कुराना कोई आसान बात नहीं है। राम सिंह की जिंदगी तो मुश्किल भरी है, मगर ये छोटी छोटी चीजें इनके जीवन में खुशियां भर देती हैं। अब पहले मैं जो है हम्बाली करता था, घुटनों में दर्द हो गया, दर्द की वजह दूसरा काम कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए जो है हम्बाली करने लग गया। फालतू समय में बैठे बैठे किताबें पढ़ता रहता हूँ। छुट्टी उट्टी रहती तो देवदर्शन में घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। जिंदगी में इतनी तकलीफें होने के बावजूद भी जिस तरह राम सिंह इन छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हैं, हमें भी उसी प्रकार इस मुश्किल घड़ी में राम सिंह जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं अवनी बागरोला, VU TV के लिए।